बल्लमगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय युवती की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात के समय मृतका घर पर अकेली थी। मृतका के माता पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। जब मृतका का भाई स्कूल से घर लौटा तो अपनी बहन को मरा हुआ देखकर रोना शुरू कर दिया। इसके बाद पड़ोसियों ने मृतका के पिता को सूचित किया। मृतका के पिता ने बताया कि उनको फोन पर सूचना मिली थी। जब घर आकर देखा तो उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उनका कहना है कि उनके किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। उनकी बेटी 12वीं पास और घर पर रहकर आगे की तैयारी कर रही थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गया हुआ था, मेरी वाइफ भी ड्यूटी पर गई हुई थी, बेटा स्कूल में गया हुआ था और बेटिया तैयारी करती है। अच्छा, PMT की जी, तो अकेली रहती है। अभी एग्जाम का रिजल्ट आया बेटिया का जी, और मेरे को पड़ोसियों ने फोन करके बताया जी कि आपका बेटा रोता हुआ और बाहर रो रहा है। अच्छा, कोई ना कोई बात है। तो ऐसे सुन करके मैं तुरंत ही एकदम आया और आकर के देख करके मैंने लड़की को मृत अवस्था में देखा। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम नीचे वाले यही रहते हैं, इसी घर में। कितने नंबर है मकान नंबर? कितना है? 1456 सेक्टर 3। क्या नाम है लड़की का और कितनी उम्र है? बेटिया का नाम लीजा है, बेटिया 18 साल की हुई है। तो लोग आए, आप शोर शराब, आपको कोई भी सराय नहीं दिया? मतलब यहाँ पे कोई था ही नहीं। देखिए, एक सेक्टर 3 में रहने वाली लड़की थी, मकान नंबर 1456 में। नीचे हमारे को सूचना मिली कि 1456 में रहने वाली एक ये लड़की है, उसकी किसी नाम पता नाम मालूम व्यक्ति ने हत्या कर दी। जी, क्या सूचना मिली थी आपने? मौके पर आके देखा किस तरीके की हालत बनी थी? मौके पर हम आए, मौके पर आके देखा कि एक जो लड़की है वो खून से है, जो आलू पूरी तरह से बस पर गिरी हुई थी और उसके सिर में चोट थी, काफ़ी सारा जो खून है वो उस पर गिरा हुआ था। बताया जा रहा था कि कपड़े नहीं थे सर शरीर पर, क्या रास्ता चाहिए? देखिए, जो एक औरत है उसकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे जो डॉक्टर मनीषा है फसल की जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया था मौके पे। उन्होंने जो है मुआवजा किया था और बाद में जो बॉडी है हमने देखी थी कि बॉडी के ऊपर जो है कुछ कपड़े नहीं पाए गए। क्या नाम है लड़की का और कितनी उम्र है और क्या करती थी? जो लड़की है उसका जो नाम है वो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो लड़की है वो 18 वर्ष की थी और अभी जो PMT की तैयारी कर रही है। सर, किस चीज़ से हत्या की गई थी, कुछ पता चल रहा है इस चीज़ का? देखिए, अभी जो है उसके खून उसके सिर के ऊपर है, ब्लंट चोट थी और ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि जो हत्या है वो किस प्रकार के वेपन से की गई है, ब्लंट वेपन से की गई है या शार्प वेपन से की गई है। इसके अलावा कुछ बॉडी के ऊपर निशान भी पाए गए हैं चोट के। सर, जो नया मामला है, कितने बजे की घटना है, क्या कुछ CCTV वगैरह कोई इस तरह का? हमने जो CCTV फुटेज है हम देख रहे हैं और पूर्णतः अभी हमारी जो है इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी बताना अभी जल्द। एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें।